हाँ जी बाबा। हाँ जी। सिपा में गौशाला बनाते हैं, गौ को संरक्षण करते हैं, गौशाला क्यों नहीं बनाते? क्योंकि गौएं जो हैं वो कंट्रोल में रहती हैं। दुनिया में भी जो बैल होते हैं वो कंट्रोल में रहते हैं या बाहर भागते रहते हैं? है? बाहर भागते रहते हैं। तो जो कंट्रोल में रहेंगे उनका संगठन जल्दी बनेगा या कंट्रोल से बाहर रहेंगे उनका संगठन जल्दी बनेगा? जो कंट्रोल में उनका आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार होंगे तो संगठन बनेगा, संगठन बनेगा तो स्वर्ग बनेगा। दुर्योधन दुशासनों का संगठन बनता है कि बिगड़ता है? बाबा ने तो सात पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बनाए दिया, बनाए दिया कि हैं? हैं? बाबा ने दुर्योधन दुशासन बनाए दिया कि ऑलरेडी हैं? पहले से ही है। चलो सच्ची बात बोलते तो हाँ अंत तक फ्री रहेंगे ये लोग हैं? बैलों का संगठन अंत तक फ्री रहेंगे कैसे? ये शक्तियाँ जब शिव शक्तियाँ बन जाएंगी तो मुसक बांध देंगी, खेती करने लग पड़ेंगे। खेती वाले बैल होते हैं ना, उनको नाथ डाली जाती है। अभी तक कन्याएं माताएं नथनियाँ डालती थी, अभी भाई लोग नथनियाँ पहनेंगे। बहुत जल्दी आने वाला है। और बाबा सूर्य वंशीधारी कृपा किस आधार पर मिलते हैं? सूर्य वंशीधारी को प्राइज किस आधार पर बैज? प्राइज सूर्य की आज्ञा पर चलने से प्राइज मिलती है। लेकिन माम एकम याद करो, मेरी ही मत पर चलो और दूसरे की मत पर चले और दूसरे को याद किया तो प्राइज नहीं मिलेगी। और बाबा हीरे जैसा श्रेष्ठ बने का प्रस्ताव क्या है? मनुष्य में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? हीरे जैसा बनने का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है जैसे हीरा रोशनी छोड़ता रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो हीरा रोशनी छोड़ेगा, ऐसे ही सदैव ज्ञान की रोशनी मुख से निकलती रहे, आंखों से निकलती रहे, वाइब्रेशन छूटते रहे तो प्राप्ति जरूर होगी। और सबसे बड़ा पाप कौन है तुम्हारा? सबसे बड़ा पाप है बेकार में जाना। विकार, विमाने विपरीत, कार माने कार्य, ऐसा कार्य जो भगवान के आर्डर के विपरीत है, भगवान की श्रीमत के विरुद्ध है। भगवान की श्रीमत है पवित्र बनो, अपवित्र न बनो, नीचे न गिरो, पतित न बनो, क्या बनो? पावन बनो। तो ऐसे कर्म करते हैं कि पतित बनते हैं, शरीर की शक्ति भी पतित होती है, मनसा भी पतित होती है, और शरीर की शक्ति क्षीण होने के साथ साथ कमाया हुआ धन भी मिट्टी में मिलता रहता है। और बाबा माम साबू के गुलजार दादी के तन में ब्रह्म बाप आते तो बाप दादा क्यों रहते? बाप दादा इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा की सोल शिव बाबा को गुलजार दादी में प्रवेश करते समय बहुत गहराई से याद करती है,
गुलजार दादी में प्रवेश करने से पहले का चेहरा देखो और प्रवेश करने के बाद का चेहरा देखो, याद में कोई फर्क दिखाई पड़ता है? चेहरे की याद में फर्क देखने में आता है या नहीं आता है? आता है। इसे साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी में स्पेशल जब आते हैं तो शिव बाबा को बहुत गहराई से याद करते हैं। और शिव बाबा का विरुद्ध है, शिव बाबा ने मुरली में बोला है, बच्चे तुम मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो बाप दादा गलत कहा या सही कहा? आप भी याद करो तो आपके साथ भी बाप रहेगा, साथ में रह करके सर्विस करेगा। और बाप दादा ही सर्विस करते हैं। और जापान में जो भूकंप आया है वो तो हद की दुनिया की भू हो गई। भू माने पृथ्वी। पृथ्वी के उस हिस्से में भूकंप आया जिस हिस्से में बौद्धि धर्म खंड है। बौद्धि धर्म खंड का भी जो मुख्य स्थान है जापान, वहां सुनामी आया। नाम क्या दिया? सुनामी। कैसा नामी? सुंदर नाम वाला। यहां ब्राह्मणों की दुनिया में भी सुंदर नाम वाले कौन हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी सब धर्म की आत्माएं पनप रही हैं कि नहीं पनप रही हैं? कोई ऐसा धर्म है जो हम ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं पनप रहा है? हर धर्म से चुनी हुई अच्छी अच्छी आत्माएं आई हुई हैं, आधार मूर्त में भी आई हुई हैं और एडवांस बीज रूप में भी आई हुई हैं। बीज रूप आत्माओं में जो बौद्धि धर्म खंड की आत्माएं हैं उनमें भी जो बहुत सर्विसेबल हैं, वो सर्विसेबल आत्माओं का सर्विस के आधार पर नाम वाला होता है। इतनी सर्विसेबल हैं, इतनी मेहनती हैं कि जैसे सन 42-45 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो बौद्धि धर्म खंड का सिरमौर जापान हिरोशिमा नागासाकी में बहुत बड़ा भूकंप आया। क्या आया? एटम बम गिर गया। दो शहर नेस्त नाबूद जैसे हो गए और फिर भी उन्होंने बड़ी जल्दी कवर कर लिया, पुरुषार्थ करके दुनिया में नाम बाला कर लिया। ऐसी तीव्र पुरुषार्थ वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में आधार मूर्त में भी हैं और बीज रूप में भी है, परंतु माया तो किसी को भी झटका मार देती है। तो झटका लग जाता है तो दर बदर हो जाते हैं। ये भी माया की परीक्षा है ब्राह्मणों की दुनिया में। खास जो टाइम आने पर प्रत्यक्ष हो जाएगी, क्योंकि अभी तो लोगों को यही पता नहीं है कि आठ धर्मों के वो पूर्वज कौन कौन हैं।
जिनमें आठ धर्मों का वो बीज पड़ा हुआ है, कोई बौद्ध धर्म का भी बीज होगा, होगा या नहीं होगा, वो सबसे जास्ती सर्विसेबल होना चाहिए। भारत के जितने भी विधर्मी हैं, बौद्धी, सन्यासी, सिख आदि, उनमें सबसे जास्ती प्योरिटी की सर्विस करने वाला कौन सा धर्म है? बुद्ध धर्म। और प्रकाश मुनि डैडी ने जन्म लिया है वो, और वो आज से जन्म लिया है। प्रकाश मुनि डैडी ने जन्म लिया है, हाँ जी, और वो आज से जन्म का बच्चा पैदा हुआ। अस्सी चलिए, हाँ, दूसरे से बच्चा से अलग है, दूसरों बच्चा से अलग है, हाँ, बुरा है बाबा, वो सच्चा है और उसका पाप अब क्या होगा? उसका उनसे कहो कि कुमार का दादी को तो बाद में हिसाब किताब बताना, पहले ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा का तो बताओ जिन्होंने नेपाल में जन्म लिया है। है? बोला था कि नहीं कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लिया है, फिर बोला मम्मा दिल्ली में सर्विस कर रही है, फिर वो बोला कि मम्मा लंदन में सर्विसेबल पार्ट बजाए रही है। अब तीनों में सच्ची बात कौन सी है? कुमार का दादी तो जरूर एडवांस पार्टी की बीज रूप आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है, जिसमें प्रवेश कर रही है उसमें प्रत्यक्ष भी हो रही है। पहले बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी या आधार मूर्त आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी या दुनिया के धर्म पिताएं प्रत्यक्ष होंगी? पहले बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी। और बाप ने कहा है कि अब बल वाले निडर होंगे, उनकी निशानी क्या होगी? योग बल वाले निडर होंगे, छोटी छोटी बातों में डरने वाले नहीं होंगे। कोई बात हो जाती है ऊपर नीचे, परिस्थिति स्थिति बिगड़ जाती है तो उनका हार्ट फेल नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा ब्रह्मा बाबा की तरह। हार्ट मजबूत होगा, योग बल वाले का कभी हार्ट फेल नहीं हो नहीं सकता, यही निशानी है। और राजा लेखराज का समाधि बना है, प्रकाश मुनि दादी का भी समाधि बन गया है, और किशोर भाव जैसा महारथी और गर्गिश भाई जैसा और गीता जी उन्होंने जो सभी पढ़ा है उनका ऐसा समाधि नहीं बना है, इसका राज क्या आएगा? ब्रह्मा बाबा का बन गया है, मम्मा का बना तो यही कारण है कि मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद बाबा मौजूद थे। बाबा हिंदू धर्म की परंपराओं को अपनाने वाला था या मुसलमान धर्म की परंपराओं को अपनाने वाला था? तो उन्होंने नहीं बनाई समाधि, और ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद इंचार्ज कौन बना? जैसे भक्ति मार्ग में एक गुरु मर जाता है तो दूसरा गुरु बैठा देते, तो जो भी गुरु बैठा वो अपनी बात चलावेगा कि दूसरे की मानेगा? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा बाबा की समाधि बना दी। और बाबा शरद कुमार ब्रह्मा बाबा का छोटा बेटा है कि बड़ा बेटा? कौन? शरद कुमार। सनत कुमार, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चौथा नाम आता है। आयु में तो सबसे छोटा है लेकिन ज्ञान में सबसे बड़ा था।
इसलिए जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा, वो ही बड़ा हो गया। उसी के नाम के आधार पर सनातन धर्म की स्थापना हुई, वो ही सनातन धर्म का धर्म पिता विख्यात हो गया। और उसकी जगह तुर्की नदियां बहेंगी हैं, उसकी जगह तुर्की नदियां बहेंगी। हाँ, संगम का सूची कैसे बनती है? यहाँ संकल्पों के खून की नदियां बहेंगी, संकल्पों का खून होगा। जो अच्छे अच्छे श्रीमत के अनुकूल संकल्प चलने चाहिए, वो संकल्प एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा मारा मारी ऐसे संकल्प चलेंगे, जो द्वापर युगी और कलयुगी शूटिंग कर देंगे। और त्रेसठ जन्म कर्म किसने किए हैं? जो हमने त्रेसठ जन्म कर्म किए हैं वो त्रेसठ जन्मों की रील घूमती है। जब अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संकल्प चलते हैं रील में, और जब हमने बुरे कर्म किए हैं तो न चाहते हुए भी बुरे ही रील घूमती है, बुरे बुरे संकल्प बुरे बुरे स्वप्न आते हैं और हमारे पुरुषार्थ को खराब कर देते हैं। प्रश्न नहीं पैदा करना है कि क्यों चलते हैं, हमने किया है तो हमारे सामने आना है। और माउंट आबू में ब्रह्म बाबा गुजर राज्य के दल द्वारा अवैध महाभारती चला, उसमें एडवांस पार्टी का विषय में बाबा ने आकर साकार पत्नी द्वारा ज्ञान दिए थे कि ये वही है कि ये क्यों नहीं होते। ये प्रश्न है का समाधान नेपालगंज की मुरली में हो चुका है, मुरली में नहीं वार्तालाप में, वहां से देख लेना। और बाबा ऐसी ब्राह्मण की दुनिया में भी ब्राह्मण बच्चे बाबा की याद करते हैं, हमें भी है, लेकिन उनको बाबा का सही परिचय मिलाई नहीं जाता। हाँ, और एडवांस वाले जी अमृत के लिए बाबा की याद बैठते हैं, उनको बाप का परिचय मिला है। हाँ, तो उस याद में और एडवांस वाले की याद की प्राप्ति में क्या अंतर? वो निराकार को याद करते हैं जी, और यहाँ निराकार को याद नहीं करते हैं। क्योंकि याद का कनेक्शन कर्म से है, बाप दादा ने कोई कर्म किए हैं अच्छे, ऐसे अच्छे से अच्छे कर्म किए हैं जो कर्म दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इसलिए गॉड फादर को सारी दुनिया याद करती है। तो वो कर्म साकार में किए हैं या निराकार में किए हैं? वो साकार कौन? साकार पता पिता, वो पहचान की बात है ना, वो एक पहचानना पड़े ना, बिना पहचाने ऐसे ही याद करना कि हमको साथ ले जाएगा, साथ चलेंगे, साथ खेलेंगे, साथ खाएंगे, वो सारी बातें तो झूठी हो जाती हैं। और निराकार को जो डायरेक्ट याद करते हैं, डायरेक्ट ना, निराकार को डायरेक्ट होता है, निराकार की जो याद करते हैं। हाँ, वो विधर्मी है, उनको विधर्मी बोला है, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। और विधर्मी लोग राक्षस लोग हैं। हाँ जी, बोला है। हाँ, राक्षस बड़े पावरफुल होते हैं, होते हैं, वो निराकार से इतना, लेकिन उनको भगवान सहयोग नहीं देता। और जो साकारी याद करने वाले देवताएं होते हैं उनको भगवान सहयोगी बनता है। तो पांडवों का भगवान सहयोगी बना,
कौरवों का सहयोगी नहीं बना तो जीत किसकी हुई? पांडवों की जीत होती है। और हाँ जी, सृष्टि चक्र में जो श्री दिखाया है आदमी को 75 साल लग गया है, किसी जो है जिनका की उंगली उठाया है इसका राज क्या है? क्या कह रहे हैं? सृष्टि चक्र में जो सुई लगी हुई है, हाँ, जो शुरू में लगी हुई थी वही अभी 75 साल बाद की लगी, जिनका क्यों है वो दोनों सुइयों का गैप 100 साल बताता है। 100 साल? हाँ जी, वो 100 साल का संगम बताता है। ये 100 साल का संगम है, 5000 वर्ष में 100 साल का संगम ना के बराबर है। वो खत्म थोड़े ही हुआ है और आगे का टाइम और ज्यादा कठिन टाइम होगा कि सहज टाइम आवेगा? तो कठिन टाइम लंबा दिखाई पड़ता है या छोटा दिखाई पड़ता है? लंबा दिखाई पड़ेगा, इसलिए सुइयां छोटी ना करो। जो अभी जो सुई का पाक है ना, है एक घंटा वाली सुई, एक मिनट वाली सुई, है इसका पाक? सुइयां तीन दिखाई गई है, एक घंटे घंटे में चलती है, धीरे धीरे चलती है। एक सुई है उसके मुकाबले 12 गुनी तेजी से चलती है, एक सुई है जो सेकंड सेकंड दौड़ती है। तो तीव्र पुरुषार्थी सुई कौन सी है? एक एक सेकंड जिनको याद आती है बाप की, वो है सेकंड वाली सुई। उससे तीखी सुई है, उससे मध्यम सुई है, लंबी वाली सुई, और जो बहुत धीरे धीरे चलती है वो है घंटे वाली सुई। एक 84 घंटे की देवी सुनी है, तो घंटे वाली देवी भी है, मिनट वाली देवी भी है, और सेकंड बाय सेकंड जिसे बाप की याद है वो याद में बैठा हुआ चित्रों में दिखाया जाने वाला जगत पिता बाप भी है। और बाबा चक्र पूरा होने में कितना साल बाकी है? चक्र पूरा होने में कितना साल बाकी है? चक्कर कभी पूरा नहीं होता, चक्कर तो चलता ही रहता है, ये अनादि चक्कर है। 100 साल का संगम तो बता दिया, 100 साल का 36 से शुरू हुआ, 2036 में पूरा होता है। उसे पूछ रहे की क्या बात? और ईश माने शासन करने वाला और वर माने श्रेष्ठ, दोनों शब्दों को मिला दो क्या बन गया? ईश्वर, जो श्रेष्ठ शासन करने वाला है। दुनिया में हिस्ट्री में जितने भी शासन करने वाले हुए सबने मारा मारी की है, बाहुबल चलाया है, लेकिन ये ऐसा शासन करता है जो मारा मारी भी नहीं करता, बाहुबल भी नहीं चलाता, किसी को फांसी पर भी नहीं चढ़ाता, प्यार से ही काम लेता है। अब एक बात समझ गई? हाँ, अब दूसरी बात क्या है? क्या त्रिपुरेश्वर का मतलब पूछ? अरे, झाड़ का चित्र में जो तीन लोगों का चित्र दिया हुआ है वो भी भूल गई? हाँ जी, है। और त्रिपुर सुंदरी कौन? ब्रह्मापुरी में भी सुंदर कही जाए, विष्णुपुरी में भी सुंदर कही जाए, और शंकरपुरी में भी
सुंदर पार्ट बजाने वाली कही जाए वो इतने पुर सुंदरी हो गई। और बाबा कला संपूर्ण देवता होते हैं। हाँ जी। वो भी देवता क्वचित किन बनते हैं? क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? क्वचित बनने का कारण क्या है? अच्छा अच्छा, जो आठ कला संपूर्ण होते हैं वो पतित बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हैं? पतित नहीं बनते। नहीं बनते? आठ कला संपूर्ण, आठ कला वाले भी पतित बनते हैं। बनते हैं। जो चार कला वाले होते हैं वो भी पतित बनते हैं। जो चौदह कला वाले त्रेता में होते हैं वो भी पतित बनते हैं। जो राम वाले, राम कोई भी हो, दुनिया में हर आत्मा को ऊपर से नीचे गिरना ही है। अगर गिरेंगे नहीं तो उठाने वाला आएगा कैसे? ये खेल ही उठने और गिरने का बना हुआ है। पावन, पावन से, पावन से पतित बनने का बना हुआ है। और आत्मा से नया सृष्टि होते हैं, संतमित होते हैं। बाबा से बीस आत्मा से नया सृष्टि रचते हैं, संगम युग में किस किस का पाठ? छह बीज आत्मा से बाबा नई सृष्टि रचते हैं, संगम युग में किस किस का पाठ? छह बीज रूप आत्मा से नई सृष्टि रचते हैं, बीज से मान आत्मा, छह बीजों से, अष्टदेवों से नहीं, दो काई के लिए निकाल दिए हैं? कल लड़ाई हो गई क्या? आठ बीज रूप आत्माएं हैं, आठ धर्मों से कनेक्टेड भी हैं, आठ धर्मों के पूर्वज हैं, आठों धर्मों में कुछ न कुछ अच्छाइयां हैं। नंबर वार तो उन आठों बीजों को निमित्त बनाते हैं नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए, छह की बात नहीं है। और बाबा तीन काल में आदि में जानते हैं वर्तमान, तीन काल बोलते हैं ना, तीन साल त्रिकाल, त्रिकाल आदि मध्यंत नहीं, त्रिकाल माने भूतकाल और वर्तमान और भविष्य काल, इसको त्रिकाल कहा जाता है। हाँ जी, इसमें संगम मध्य में आता है, वर्तमान संगम में जो बीत गया वो भूतकाल हो गया, अभी जो चल रहा है वो वर्तमान है, और जो अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है वो भविष्य काल है। आदि मध्यंत नहीं कहा जाता, नहीं। बाबा योग बल वाले का आठ मजबूत रहता है, फेल नहीं होता है? आठ फेल नहीं होता है योग बल वाले का, तो हार्ट तो मजबूत रहता है, दिमाग फेल होता ही नहीं। अरे हार्ट से ही कनेक्टेड है दिमाग, जब हार्ट मजबूत है तो दिमाग कैसे फेल हो जाएगा? जिसका हार्ट फेल नहीं होता है वो याद में पावरफुल होगा या कमजोर होगा? और जिसकी याद पावरफुल होगी, आत्मिक स्थिति में रहने वाला, बीज रूप स्टेज में टिकने वाला होगा, उसमें सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश कर सकता है? सूक्ष्म शरीरधारी ज्यादा सूक्ष्म है या आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है? आत्मा ज्यादा सूक्ष्म है। तो जो अपन को ज्योतिबिंदु आत्मा समझते हैं, जिस समय समझते हैं उस समय उनमें कोई भी भूत प्रेत सूक्ष्म शरीर धारे प्रवेश नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीर से प्रवेश नहीं कर सकते, आत्मा के रूप में तो प्रवेश करते हैं। तो भगवान हो गए। ये तो एक भगवान ही है जिसको सूक्ष्म शरीर नहीं होता है फिर भी प्रवेश करता है। बाबा ने बताया ना वो
बीजरूप आत्मा प्रवेश करती है, जैसे गुजर आदि में ब्रह्म भाव की आत्मा जाती है, वो तो सूक्ष्म शरीर से जाती है, सूक्ष्म शरीर से जाती है। हाँ, क्रिएटर प्रजापिता के मस्तक में भी उनका दिखाते हैं। हाँ, प्रजापिता के मस्तक में जो दिखाते हैं वहाँ भी वो प्रवेश करती है। वो तो टेम्पररी जाती है, वो तो बाप दादा एक ही हो गए। राम वाली आत्मा के लिए बाप हो गया शिव और दादा कौन हो गया है? ब्रह्मा बाबा जी? ब्रह्मा बाबा दादा हो गया। राम वाली आत्मा के लिए बाप कौन है और दादा कौन है? बाप है शिव और दादा है ब्रह्मा। वो दोनों मिलके एक हैं कि अलग अलग हैं? एक बाबा ने बताया ना, रुद्रगण जो होते हैं ना उनकी हाँ जी, जिस धर्म के बीज होंगे उसी धर्म से कनेक्टेड बीज रूप आत्मा है, वो आधारभूत आत्मा है, उनमें प्रवेश करेगी। बिल्कुल सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करेंगी। अगर उनके बीज रूप स्टेज बनी हुई है तो वो भी बीज रूप बन जाएगी। और चौदह वर्ष बोला जाता है, अगर कराची में ही 14 साल रहे हैं तो फिर सिंध हैदराबाद कहाँ चला गया और कलकत्ता कहाँ चला गया? शुरुआत कहाँ से हुई है ज्ञान की? कलकत्ते से हुई है। तो कलकत्ता और सिंध हैदराबाद दोनों छोड़ दिया, अकेले कराची को क्यों ले लिया? ये बात मुरली का है। हाँ जी, कराची में जब 14 साल पूरे होने को आए तब से मुरली निकलती चली आ रही है। और वो आत्मा प्रवेश करती है तो दिमाग को हलचल नहीं करती? क्यों नहीं हलचल करती है? जैसी आत्मा होगी वैसी हलचल करेगी। योग बोल वाले की दिमाग को तो हलचल हो गया ना? योग बोल वाले के दिमाग को हलचल होता है तभी तो बैल शंकर के ऊपर प्रवेश करके ऊपर नीचे करता है। बाबा ने बताया बैल अभी शंकर के ऊपर सवार है या शंकर बैल के ऊपर सवार है? बैल सवार है। बैल सवार है तो हलचल में लाता है या नहीं लाता है? कम लाता है या ज्यादा लाता है? रुक रुक के क्यों बोलते हो? कम हलचल में लाता है या ज्यादा हलचल में लाता है? है तो वही जाने है। अच्छा ठीक है, बाबा अवैध वाणी में बोला है छियासी बेसिक ब्राह्मण की दुनिया में ज्ञान सूर्य बाप को बच्चों को देखने जाते हैं। वाणी में बोला आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेषताओं को देख रहे हैं। हाँ तो देख रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं, पहले भी देख रहे थे, आगे भी देखते रहेंगे। पूजा रानी के तन से जो बोल रहे थे बोलने वाला ब्रह्मा बाबा बोल रहा है जी। लेकिन बात किसकी कर रहा है? ज्ञान सूर्य बाप की। हाँ तो वो ज्ञान सूर्य बाप थोड़े गुलजार दादी में नहीं है, फिर भी है उनके मुँह से ऐसे बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं, बता रहे हैं ये बात। ब्रह्मा की आत्मा शिव बाबा की तरफ से बोल रही है। हाँ शिव बाबा की बात बोल रही है कि शिव बाबा क्या कर रहे हैं वो बताया। और प्रश्न आया है बाप की याद का जौहर कैसे भरना है? जौहर काय में भरा हुआ होता है? तलवार में जौहर होता है, जौहर अर्थात तीखापन। जितना तलवार में जौहर होगा उतना तलवार गहरा काम करेगी। तलवार तीखी कैसे बनती है? हैं?
तलवार को रंदा लगाया जाता है, घिसा जाता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान की तलवार जितना घिसेंगे, जो बोला है तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर, जितना हम ज्ञान को घिसेंगे उतना ज्ञान की तलवार में जौहर भरता जाएगा, और जौहर भरेगा याद से। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना जौहर भरता जाएगा। ज्ञान की तलवार तीखी होती जाएगी, कोई को भी सुनावेंगे तो झट आकर्षित होगा। और बाबा मैंने बाप को तो मिला, माँ का मिलने के लिए कहाँ जाना पड़ता? क्या मिला? बाप का मिला, बाप का मिला से तो मिला, माँ से मिलने के लिए माँ का मिला दिल्ली जाना पड़ता है। अगर कहीं सुनी सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पाई हो तो दुर्गति पाना जरूरी है। अभी एक के पीछे भागना है, एक को याद करना है, या दो चार के पीछे भागना है, बस खत्म बात। और आपके राय भागमत जाना है एडवांस के लिए है बेसिक के लिए? दोनों ही रात के राही हैं। अभी अभी अज्ञान की रात चल रही है या रात खत्म हो गई है? अभी भी अज्ञान की रात चल रही है। घड़ी घड़ी अनिश्चय पैदा होता रहता है। अनिश्चय हुआ माने रात है, और निश्चय बना रहे तो दिन है। दिन में सूर्य दिखाई पड़ता है कि नहीं दिखाई पड़ता है? कोई कहेगा सूर्य नहीं है? अभी रात है। बाबा तो बाप मिला ज्ञान के लिए बाप, और वो कहते हैं अभी मिला है, और जब माया धाड़ मारती है तो कहते हैं अरे हम तो ऐसे ही लिखे आए थे निश्चय पत्र, है थोड़े ही रात हो गई, थोड़ा भी अनिश्चय आया समझो रात आ गई। अज्ञान की रात एडवांस वालों के लिए भी है, और जो बेसिक में चल रहे हैं आधार मूर्त उनके लिए भी है। कंप्लीट कोई भी नहीं बना है, न जड़ें कंप्लीट हैं न बीज कंप्लीट हैं। और हाँ जी बाबा, कोई एडवांस में आने के बाद फिर बेसिक में जाकर मुरली सुनते हैं तो उन भाइयों कन्याओं माताओं का क्या होगा? बेसिक में प्रजा बनाई जाती है या राजाएं तैयार होते हैं? वहां प्रजा तैयार होती है, बड़ा बड़ा हुजूम इकट्ठा करके, मेले मलाकड़े प्रदर्शनी म्यूजियम मेगा प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस, इनमें हुजूम के हुजूम लोग आते हैं, संदेश लेकर चले जाते हैं। रेगुलर पुरुषार्थी नहीं बन पाते। तो ऐसे जो पुरुषार्थी हैं जो सिर्फ संदेश लेते हैं वो राजा बनते हैं या प्रजा बनते हैं? वो प्रजा बन जाते हैं। और एडवांस में चलने वाली एक एक आत्मा के साथ
पर्सनल मेहनत की जाती है, एक एक को बैठा करके समझाया जाता है। यहाँ हुजूम को समझाने की बात नहीं है, हुजूम को समझाना करना देहधारी धर्मगुरु करते हैं मजमा लगा करके। मजमा लगा करके आत्मा का ज्ञान नहीं दिया जा सकता। हर एक आत्मा में अलग अलग संस्कार होते हैं कि एक जैसे संस्कार होते हैं, तो अलग अलग बैठ करके समझाना चाहिए या इकट्ठा समझा देना चाहिए? अलग अलग समझाना चाहिए। अलग अलग जब मेहनत की जाती है तब वो राजा बनते हैं। तो यहाँ एडवांस जो आत्माएं टूट जाती है, बेसिक में चली जाती है, तो राजा बनते बनते राज परिवार में चलते चलते राज घराने से टूट कर कहाँ चली गई? प्रजा वर्ग में चली गई। और अच्छी बात है। सांप कोई दूसरी चीज थोड़े ही है, पांच सांप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो बाप मिल गया तो पांचों सांपों को मार देगा या सांप बने रहेंगे? है बाबा, ब्राह्मणों के गृहस्थ जीवन में पुरुषों को भाई कहा जाता है और नारियों को माता कहा जाता है। भाइयों को पिता क्यों नहीं कहा जाता? इसका मतलब ये है कि पूछने वाला अपन को आत्मा आत्मा भाई भाई नहीं समझता है। क्या समझता है? कि ज्ञान में आने के बावजूद भी हमारी घरवाली है वो अगर तुम्हारी माता है तो हम तुम्हारे पिता हैं। लेकिन ज्ञान ये नहीं कहता, ज्ञान कहता है यहाँ माताएं सब माताएं हैं, शिव शक्तियां हैं और बाप एक ही है। इसलिए मुरली में बोला, मुट्ठे तेरी घरवाली कहां से आ गई? दूसरी मुरली में बोला, मुट्ठी तेरा घरवाला तेरा युगल कहां से आया? यहां युगल की परंपरा खत्म हो जाती है। कौन सी परंपरा शुरू होती है? यहाँ आत्मा आत्मा भाई भाई। और जब प्रजापिता ब्रह्मा से संबंध बनता है तो भाई बहन का संबंध बन जाता है, दूसरा कोई संबंध नहीं रहता। इसलिए पूछने वाला बहुत चालाक लिख करके दे दिया। बैठ जाए, नहीं बैठ जाए। भोलेनाथ बाबा के बच्चे तो जरूर भोले होंगे। इस दुनिया के कोई ऐसे भोले संस्कार के होंगे तो उनको तो दुनिया में तो ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, अपने और परायों से भी दुख ज्यादा मिलता है। तो एडवांस में आने के बाद ऐसे भोले बच्चों को अपने लौकिक अलौकिक कार्य व्यवहार में भगवान बाप से कुछ मदद मिलती है क्या?
पूछने वाला भूल गया कि भगवान बाप लौकिक बाप है या पारलौकिक बाप है, हैं? पारलौकिक बाप है। अरे क्या ऊपर ही चढ़ा दोगे? सर पर चढ़ाओ, सबको दिखाओ, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। क्या कहा? भगवान बाप क्या है? पारलौकिक बाप है। और पारलौकिक बाप जो है परलोक के लिए मदद करने आया है कि इहलोक के लिए मदद करने आया है? पारलोक के लिए मदद करने आया है। मैं 21 जन्मों की प्राप्ति कराने के लिए आया हूँ। वर्तमान जन्म की जो भी प्राप्ति तुमको होती है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही होगी। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। 63 जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो तुमको अच्छी प्राप्ति हो जाएगी, और 63 जन्म में तुमने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, खराब कर्म किए होंगे, तो तुमको प्राप्ति नहीं होगी उतनी जितनी चाहते हो। बाकी मैं कोई की मदद नहीं करता हूं, मैं तो सिर्फ आकर के ज्ञान सुनाता हूं। मैं आकर के क्या देता हूं? ज्ञान देता हूं, रास्ता बताता हूं। श्रीमत पर चलेंगे तो जन्म जन्मांतर का फायदा होगा, और मनमत और मनुष्य मत पर चलेंगे तो जन्म जन्मांतर का घाटा होगा। वैसे आश्रम में जाकर मुरली सुनना ठीक है या नहीं? जैसा संग वैसा रंग लगेगा। गीता तो एक ही है, लेकिन गीता के जो टीकाएं की गई हैं उनमें फर्क हो सकता है या नहीं हो सकता है? एक कहावत है, कह समझे कवि और कह समझे रवि। या तो कविता करने वालों ने जो कविता की है रामायण में, महाभारत में, भागवत में, वो कविता करने वाले कवि उसका सही अर्थ जानते थे, या तो कल्प के अंत में ज्ञान सूर्य सृष्टि पर आ जाए वो उस कविता का सही अर्थ बता सकता है। तो गीता भी पुरानी कविता है। गीता के रहस्य ज्ञान सूर्य भगवान बाप आकर के बता रहा है। उसी गीता की जब 108 की टीकाएं निकल सकती हैं तो क्या भगवान अपनी टीका नहीं कर सकता? भगवान की जो टीका होगी वो सात टीकाओं को क्रॉस करने वाली होगी, और जो मनुष्यों की बनाई हुई टीकाएं हैं वो एक दूसरे को काट करने वाली हैं, अपने ही महावाक्यों को काट करने वाली है। भगवान का एक भी महावाक्य एक दूसरे को काट नहीं करता। भगवान दो दो बातें नहीं करता है, भगवान तो सदैव एक ही बात करता है। प्रश्न क्या था? बीके के सेंटर में जाके क्लास कर सकते हैं। हाँ, तो भगवान के साथ संग करेंगे तो सत्संग होगा। भगवान के अलावा और कोई संग करेंगे तो लत संग होगा। आज अच्छे से बात करेंगे कल जरूर लात मार के भगा देंगे। ये सब बैठे हुए हैं इस बात के गवाह। इनको इतनों को भगाया गया है तो तुमको भी लात मार के भगा देंगे। जाना है तो जाओ, यहां तो कभी मना नहीं किया जाता। क्या कहा? उन्होंने तुम्हारी सेवा की कि नहीं की? अरे
उन्होंने तुम्हारी बेसिक में सेवा की कि नहीं की? ज्ञान का ABCD पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? तो तुम उनकी सेवा करो, यहाँ मना नहीं किया जाता, लेकिन संघ का रंग तो जरूर लगेगा, अन्न दोष भी लगेगा। जिनके संग सुबह शाम बैठेंगे उनके हाथ का दिया हुआ अन्न नहीं खाएंगे, अन्न खाएंगे तो अन्न दोष भी लगेगा। और बाबा एडवांस वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो कोई बाबा के बच्चे एडवांस भी नहीं आते और रेसिपी भी नहीं जाते, हाँ तरफ से छूट जाते हाँ। इससे अच्छा बेसी में जाते रहना अच्छा है या दोनों तरफ छूट जाएगा? जो एडवांस ज्ञान ले लेगा उसकी बुद्धि में तो बैठ जाएगा कि भगवान बाप जब आते हैं तब राम और रावण संप्रदाय होते हैं, भगवान बाप जब आते हैं तो देवताओं और असुरों का संग्राम होता है, भगवान बाप जब आते हैं तो कौरवों और पांडवों की दुनिया बनती है, भगवान बाप जब इस दुनिया में नहीं होते हैं तो न कौरव पांडव होते हैं, न देवताएं और असुर होते हैं और न राम और रावण संप्रदाय होते। तो एडवांस ज्ञान में तो साबित कर दिया गया कि बेसिक में जो भी चल रहा है वो रावण संप्रदाय का कार्य चल रहा है। भट्टी करके आने के बाद एडवांस छोड़ देते, उन्हें छोड़ देते, तो नहीं समझा है तभी तो छोड़ देंगे, जिन्होंने समझा है वो क्यों छोड़ देंगे? उधर जाता रहता था, उधर भी नहीं समझा तो छोड़ देगा, प्रजावर्ग में चले जाएंगे। यहाँ राजयोग सिखाया जाता है, राजयोगी बनेंगे तो राजा रानी बनेंगे, राज परिवार में आवेंगे, छोड़ के चले जाएंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। अभी तो बोला मुरली में, आज की मुरली में ही तो बोला कि जिन्होंने दो शब्द भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में तो जरूर आवेंगे, लेकिन प्रजा बनेंगे। कौन सी कैटेगरी की प्रजा बनते हैं वो भी देखना है। फर्स्ट क्लास प्रजा भी होती है, बड़े बड़े साहूकार होते हैं, राज परिवार में जाकर के मिलते जुलते हैं, राजसभा में जाकर ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं, राजा के बड़े सहयोगी बनते हैं। फर्स्ट क्लास प्रजा भी है, सेकंड क्लास प्रजा भी है, थर्ड क्लास प्रजा भी है, फोर्थ क्लास प्रजा भी है। चांडाल चांडाल नहीं जाकर बनते, झाड़ू लगाते, सब तरह की चाहिए ना। हाँ सोमवार को व्रत क्यों रखते हैं? सोम माने चंद्रमा, सोमवार माने चंद्रमा का वार है। हाँ, सोमनाथ मंदिर बना था ना, तो सोमनाथ मंदिर सोमवार की यादगार है। सोमनाथ है शिव बाबा, जैसे शिवरात्रि का व्रत रखते हैं ऐसे ही सोमवार का भी व्रत है। श्रावण के महीने में खास सोमवार को शिवलिंग की बहुत मंदिरों में सजावट होती है, व्रत रखा जाता है। यह है विकारों का व्रत। बाबा बेसिक ब्राह्मण जो है उसमें गृहस्थी भी बहुत है और माउंट आबू में मेला करके जब आते हैं तो वहाँ से टोली लेके आते हैं। क्या लेके आते? टोली, टोली और वो सबको बांटते हैं और एडवांस ब्राह्मण वाले वो टोली ले सकते हैं नहीं ले सकते? खूब खाया करो, मांग मांग के खाओ जाके। मैंने श्रीमत क्या है बाबा, श्रीमत लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? अरे जब बता दिया रावण संप्रदाय है, झाड़ के चित्र में सीढ़ी के चित्र में साबित कर दिया कि भक्ति मार्गीय रावण संप्रदाय ब्राह्मणों की दुनिया में कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? वही चल रहा है। तो फिर तुम्हें जरूरत है तो जाओ, वो
हाँ तो दाना काहे के लिए तुम सारा ही खा जा जाके। और सन 2018 में विनाश का गंती बजाने सन 2018 में विनाश का गंती बजाएगा अथवा विनाश शुरू होगा इसका प्रमाण होगा क्या परिणाम होगा क्या प्रमाण प्रमाण क्या है इसका प्रमाण मुरली में तो बता दिया पहले स्थापना होगी कि पहले विनाश होगा पहले स्थापना होगी और स्थापना पहले बुद्धि में होगी या पहले शरीर और संसार में होगी तो मुरली में तो बता दिया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में तो जो सतो प्रधान बनने वाली आत्माएं 40 वर्ष पूरे कब करेंगी है 1976 में प्रत्यक्षता वर्ष हुआ बाप का 1977 में संपूर्णता वर्ष हुआ 1977 के बाद 40 वर्ष गिनो 2018 आता है एक साल पहले भी हो सकता है तो कितनी आत्माएं होंगी जो 40 वर्ष पूरे होने पर सतो प्रधान बन जाएंगी फिर और आत्माएं अगले 10 वर्ष में माने 50 वर्ष पूरे होने पर सतो प्रधान बनती रहेंगी कम से कम कितनी होंगी 8 आत्माएं होंगी 8 के बाद 100 का नंबर लगेगा 3 है सर्वोपरि ब्रह्मा विष्णु शंकर वो तो पहले ही प्रत्यक्ष हो गए उनके प्रत्यक्ष होने में लंबा टाइम लगा 8 को प्रत्यक्ष होने में कम लंबा टाइम लगेगा फिर 100 को प्रत्यक्ष होने में और भी कम लंबा टाइम लगेगा फिर 4.5 लाख को प्रत्यक्ष होने में और भी कम टाइम लगेगा और बाबा वो बाप की गौशाला से कोई गौ कारण अकारण बाहर आ जाती है हाँ जी फिर दोबारा अंदर जा सकती है नहीं जा सकती माफीनामा लिखे और जाए बाप के घर में क्षमा नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी दुनिया में सुधरने के चांसेस है भगवान के घर में नहीं होंगे तो कहाँ होंगे अपने पाठ को ड्रामा के पट्टे में लगाकर देखिए कैसे दिखाएं ड्रामा का जो पट्टा है वो पट्टा लंबा लंबा है गोल गोल है उस गोल गोल को छोटा बनाते जाओ तो क्या बन जाएगा बिंदी में टिक जाओ जितना ज्यादा आत्मिक स्थिति में टिकेंगे उतना ज्यादा आत्मा के जन्म खुलते जाएंगे क्योंकि बिंदु सूक्ष्म होता है सूक्ष्म स्टेज में टिकेंगे तो मन बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी सूक्ष्म बुद्धि अनेक जन्मों की गहराई में घुस सकेगी और शास्त्रों में ऋषियों की कहानी बहुत आती है भाई की ऋषियों की ऋषि कहानी आती है वो ऋषि लोग बहुत तपस्या करते थे हाँ? और इतना तपस्या करते कि वो इंद्र का आसन भी हिलाते थे हाँ? फिर उन इंद्र उनके पास परिया भेजते थे हाँ? और ऋषि अपने तपस्या छोड़ के वो परी के साथ गृहस्थी बन जाते थे ऐसे दिखाया गंगा जी के बताए क्यों नहीं होता है विश्वामित्र ऋषि कौन से हैं तुम्हें विश्वामित्र का पता चला कि नहीं पता चला कौन है
वो सारे विश्व का मित्र है, वो तपस्या करता है कि नहीं करता है? लेकिन उग्र तपस्या करता है तो इंद्र डर जाता है। इंद्र डरपोक है कि नहीं? डरपोक है। ब्रह्मा बाबा को जब विनाश के साक्षात्कार हुए तो डर गए कि नहीं डर रहे? डर गए। तो इंद्र को डर पैदा हो जाता है, तो वो उसके पास परियां हैं, वो परियां भेज देता है। क्या नाम है उस परी का जिसने विश्वामित्र की तपस्या को भंग किया? मेनका। कौन से सन में मेनका आई? छिहत्तर में आई। मेनका का मतलब क्या है? वो मैन है क्या? मुख्य परी है क्या? मुख्य तो नहीं है। जैसे अमेरिका के लिए कहा अमेरिका, आ अमेरिका, मेरे हो क्या? इसलिए मतलब अमेरिका मेरी है या माया की है? माया की है, मेरी नहीं है। विश्वामित्र को विदेशी नहीं बनाया? बाप विदेशी बन के नहीं आया? नहीं, गृहस्थी। गृहस्थी नहीं बनाया? बच्चे कहाँ से पैदा हुए? कौन से बच्चे पैदा हुए? अरे पता ही नहीं। इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन कहाँ से आए? वो देखिए। हाँ जी। और बाबा जो बात प्रजापिता में लागू होता है वो उनके बच्चे में भी लागू होता है? जो बच्चों पर जो बात लागू होती है वो दुनिया की हर बात प्रजापिता के ऊपर भी लागू हो सकती है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे बच्चे पर भी लागू होता है? माने तेरे ऊपर लागू नहीं होते? बाबा ने बोला ना, गीता में आया ना हम तेषु ते मये, मैं उन पत्तों में विराजमान नहीं हूँ, व्यापक नहीं हूँ, लेकिन वो सब पत्ते मेरे अंदर मौजूद हैं। तो बाप में जो बात लागू होती है वो बच्चों की लागू होती है? जो बीज में बात नहीं होगी वो वृक्ष में नहीं हो सकती। बाप का बच्चा है या दोगला है? बच्चा। बाप का है तो बाप का खून बाप के जैसे काम करेगा या दोगलों जैसे काम करेगा? कंस है। कंस अपने बाप का बच्चा था या कोई दूसरे का बच्चा था? दूसरे राक्षस का बच्चा था। तो कंस की जैसी बात करता था, बाप की जैसी बात करता था या बाप के विरोधी बात करता था? ऐसे यहाँ साबित हो जाएगा। और ऊंच क्या होती है? भक्ति मार्ग में तो गाते रहते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जर गई, गए निशाचर भाग। गाना अलग बात है, उसका अर्थ समझना अलग बात। तो हनुमान की पूंछ क्या है? देह अभिमान की पूंछ है तो वो पूछ। हाँ और कुछ पूछना? सुन लिया ना, हनुमान की जो पूछ है वो तो हनुमान की पूछ है आग लगाने वाली। एक मोर की पूछ भी है, मोर की पूछ जिसको लगाई जाती है उसकी पूजा की जाती है। तो मोर की पूछ में और हनुमान की पूंछ में क्या अंतर है? उसको भी पूंछड़ी दिखाई जाती है, उसको भी पूंछड़ी दिखाई जाती है, दोनों पूंछ में अंतर क्या है? अरे वो बंदर की पूंछ इतनी भी नहीं जानते? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ प्योरिटी की सूचक है,
और बंदर तो इम्प्योरिटी का सूचक है, व्यभिचारी होता है। बंदर होता है व्यभिचारी और मोर होता है अव्यभिचारी। तो मोर की जो पूंछ है वो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कर्म करने वाली, दुखदाई नहीं है, बहुत मुलायम होती है। और हनुमान की पूंछ, उसमें भी दो तरह के बंदर दिखाए हैं, एक लाल मुंह वाला एक काले मुंह वाला। तो वो हनुमान था लाल मुंह वाला, उसकी पूंछ में आग लगी। कैसे आग लगाई? सारी लंका में जितने शरीर रूपी वस्त्र थे, अच्छी अच्छी साड़ियां, बनारसी साड़ियां भी होंगी, वो साहब उस पूंछ से लपेट गई। आई समझ में कि नहीं? नहीं समझ में आई पूरी? थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा पूरा समझो। वो पूंछ में जितने भी लंका की साड़ियां थी, वस्त्र थे, छोटे या बड़े, वो सब उस पूंछ में लपेट दिए। और तेल डारे पट बांध कर पावक देहु लगाए, उसमें ज्ञान का तेल डाला और आग लगा दी, काम बिकार की। तो सारी लंका जलने लगी। बेसिक में देखो जाके जल रहे हैं कि नहीं जल रहे हैं। अरे गाय को कैसे बांधा जाता है? खूंटा से। खूंटा से कहो, पूंछ से कहो, बात एक ही है। वो वस्त्र माने क्या? शरीर रूपी वस्त्र है, चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। वो छोटे वस्त्र हो या बड़े वस्त्र हो, सारे वस्त्र उससे बांध दिए गए पूंछ से, और सारी लंका में घुमाया जा रहा है। ये सारी दुनिया क्या है? है लंका है, हिंदुस्तान को नहीं समझ लेना अकेले। सारी दुनिया की बात है, सारी दुनिया में ये भंभोर को आग लगेगी। तो अब बताओ, कुछ आग लग चुकी है, कुछ लग रही है, और कुछ आगे लगने वाली है। घबराहट तो नहीं हो रही है? अच्छा ठीक है। ओम शांति।